रोहतक में गुरु रविदास की जयंती पर तेज कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस की पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव की तैयारियों के साथ हरियाणा में कांग्रेस और आप के गठबंधन पर बात की, तो वहीं प्रदेश में अब तक संगठन न बन पाने पर कहा कि पार्टी बिना संगठन के ही मजबूत है। केंद्रीय लेवल पर जो गठबंधन हुआ है, आप देख रहे पहले से ही जो इंडिया गठबंधन है उसमें चर्चाएं चलती रही और अब आगे बढ़े हैं हम, मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए। चुनाव के समय कुछ ना कुछ बातें उठाती है तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हमारी लड़ाई लोग लड़ते हैं और हमारा वर्कर लड़ता है। संगठन नहीं बन पाया कुछ हद तक, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी मजबूत। कांग्रेस पार्टी में सीएम चेहरे को लेकर होड़ लगी हुई है, लेकिन कोई भी इस पर खुलकर बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जब पूर्व सांसद से पूछा गया कि कांग्रेस से सीएम चेहरा कौन होगा, तो कुमारी शैलजा ने कहा, पार्टी में हर कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन इसका फैसला तो केंद्र नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले नहीं देती है। कोई मुख्यमंत्री हो तो वो आगे होकर चुनाव लीड करते हैं, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो पार्टी की बाय एंड लार्ज हमारी यही नीति होती है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं करते हैं। ये फैसला बाद में लिया जाता है, जब चुनाव हम जीत जाते हैं उसके बाद फैसला हाईकमांड लेता है। कांग्रेस का हरियाणा में अब तक संगठन नहीं बन पाया है और न ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ भी कहा जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से फतह कर पाती है, ये देखना होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।